हमारी लाइफ बहुत ही छोटी है, जिसमें बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आते हैं जिस समय हमें कुछ नहीं समझ में आते हैं, हमें क्या करना है, कहाँ जाना है। उस वक्त आपके बेस्ट फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स साथ देते हैं। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जब आपके बेस्ट फ्रेंड भी आपका साथ छोड़ देते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स भी आपके साथ छोड़ देती है। आप एक जगह उदास बैठ जाते हो और सोचने लगते हो क्या करना है, कैसे करना है। आइए मैं गीता का वो सार बताता हूँ जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। जब अर्जुन के सामने उसकी सारी फैमिली मेंबर्स, उसके चाचा भतीजा और जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके गुरु, उनके पूर्वज सब सामने युद्ध के लिए खड़े होते हैं, जस्ट फॉर द प्रॉपर्टी एंड मनी, और श्री कृष्ण के सामने अर्जुन विवश हो जाता है कि मैं इनसे युद्ध कैसे करूंगा जो मेरे पूजनीय हैं। और अर्जुन अपना धनुष बाण नीचे रख देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पुत्र, उठो, खड़े हो, अपने साहस बल को अपने अंदर जगाओ, क्योंकि ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये मनुष्य हैं, ये शरीर हैं, और जब ये अपनी सुख सुविधा के लिए तुमसे लड़ सकते हैं तो तुम क्यों नहीं लड़ सकते। तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना और तुम युद्ध के लिए बने हो, खड़े हो और युद्ध करो। ये शरीर नश्वर है, आत्मा नहीं। सो इफ देयर इज नो वन टू लव यू, यू विल हैव टू लव बाय योरसेल्फ।